आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ In this question we have given assertion a stationary object placed on the ground may experience a pseudo force as observed by the reference frame attached to the ground reason कह रहा, earth a rotating body is a non inertial frame तो इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है और सूडो फोर्स किस फ्रेम में काम करता है तो आपको पता होगा ये रीजन टाइप का क्वेश्चन है सॉल्व करते हैं अगर कोई एक ऐसा फ्रेम जो रेस्ट में है या उसका एक्सेलरेशन जीरो है दो कंडीशन हो सकती है एक ऐसा फ्रेम जो रेस्ट में है या उसका एक्सेलरेशन जीरो है एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इस तरह के फ्रेम को बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो उसको मैं शॉर्ट में लिख दूंगा आई एफ ओ आर इट मीन्स इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कब होगा जब रेस्ट में हो या एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो हो एक ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेटेड फ्रेम हो मीन्स उसका एक्सेलरेशन जीरो ना हो कुछ ना कुछ उसके पास एक्सेलरेशन हो तो इस तरह के फ्रेम को हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो इसको मैं लिख सकता हूं एन आई एफ फ्रेम में, में अब अपने क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन में गिवन है कि कोई एक हमारे पास पर्सन है ठीक जो अर्थ पे खड़ा हुआ है ये हमारे पास देखो एक पर्सन है जो अभी अर्थ पे रेस्ट में है स्टेशनरी का मतलब ये हमारे पर्सन रेस्ट में है अब इस पर्सन को एक ऑब्जर्वर देखता है ऑब्जर्वर किसी फ्रेम में खड़ा हुआ लेट से हमारे पास ये ऑब्जर्वर है एक ऐसे फ्रेम यहाँ पे था उस पर खड़ा हुआ है जो ये फ्रेम हमारे पास देखो अर्थ के ग्राउंड से अटैच है तो ये जो हमारा फ्रेम है अर्थ से ग्राउंडेड है ये हमारे पास देखो ये ऑब्जर्वर है ये कौन है ऑब्जर्वर क्वेश्चन में गिवन है कि इस ऑब्जर्वर से अगर मैं इस पर्सन को देखूंगा तो इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा ये इट में जो पर्सन है क्वेश्चन में कह रहा इट में एक्सपीरियंस है सूडो फोर्स तो बिल्कुल सही बात है क्यों क्योंकि यहाँ पे देखो जो हमारे पास अर्थ है इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं होता है क्योंकि आपको पता होगा अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है दूसरा अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो सन इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है जिससे अर्थ पे नेट फोर्स जीरो नहीं होता है उसकी वजह से मैं कह सकता हूँ अर्थ का एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं आएगा अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा तो अर्थ कैसा फ्रेम होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तो इस फ्रेम पे अर्थ के फ्रेम में या अर्थ के ग्राउंड पे कोई भी ऑब्जर्वर दूसरे ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उस पर एक सूडो फोर्स लगेगा क्यों सूडो फोर्स लगेगा अगर मैं ऑब्जर्वर को देखता मान लेता हूँ कि इस इसपे जो नेट चूंकि अर्थ क्या कर रही होगी रोटेट कर रही होगी लेट से इस इसपे जो नेट एक्सेलरेशन था कुछ इस डायरेक्शन पे था इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन तो अगर ये ऑब्जर्वर इस पर्सन को देखेगा तो क्या बताएगा ये हमारा में रहेगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे इस पे एक सूडो फोर्स लगा होगा मान लेता हूँ पर्सन का मास एम है तो ये इसका एक्सिलेशन किसका होगा ऑब्जर्वर का एक्सलेशन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे और इसी सूडो फोर्स की वजह से ये हमारा रेस्ट पे रहता है तो बिल्कुल असर्सन हमारे पास ट्रू है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड पे है तो इट मे एक्सपीरियंस है अटैच है उस फ्रेम से कोई ऑब्जर्वर दूसरे ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे खड़ा हुआ है उस पे, उसको देखेगा तो उस उसपे एक सूडो फोर्स लगेगा क्यों क्योंकि ये अर्थ हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है सेकेंड कह रहा है अर्थ अ रोटेटिंग बॉडी इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम बिल्कुल सही है क्योंकि आप देख सकते हो अर्थ एक्सेलरेटेड बॉडी है उस पर नहीं है मतलब कुछ न कुछ उसका लेकर नीट आई आई टी जेन्स और, और, और एडवांस लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड कर डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर